इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको, अमित शाह से मुलाकात हुई है जेपी नड्डा और साथ ही साथ आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस की, क्योंकि ये मुलाकात बहुत ज्यादा खास इसलिए भी बताई जा रही है कि अभी भी आपको बता दें कि अमित शाह के घर पर ही मौजूद है देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल है। महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर बातचीत की खबर आ रही है और इसीलिए जो बैठक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दिल्ली से महाराष्ट्र तक हलचल तेज हो चुकी है, कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है महाराष्ट्र में और इसी वजह से ये हलचल तेज हुई है। अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है, जिसमें माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की गई है। तो कुछ देर पहले की तस्वीरें देखिए, क्योंकि आज जो एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, दोनों ही प्रधानमंत्री से भी मिले हैं। अमित शाह से मिलने के लिए फडणवीस पहुंचे थे, साथ ही साथ अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और खुद देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि ये जो बैठक है वो कैबिनेट विस्तार को लेकर हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनीश पांडे जुड़ गए हैं। मुनीश, क्या जानकारी है, कितनी लंबी है बैठक चली और क्या आपके सोर्सेस कह रहे हैं, कुछ साफ हो पाया? जी देखिए, लगभग 9 बजे से एक जो मीटिंग थी वो अमित शाह ने बुलाई हुई थी, जिसमें खुद बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा और उसके अलावा जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो वहां पर पहुंचे हुए थे। जो सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र को लेकर ये काफी महत्वपूर्ण बैठक थी, चूंकि दो बातों को लेकर इसमें बातचीत हुआ है। एक तो जो कैबिनेट का विस्तार होना है उसको लेकर बातचीत हुआ है, उसके अलावा जो महाराष्ट्र सरकार को लेकर लीगल लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर भी बातचीत हो रही है, ऐसा हमें जानकारी मिला है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें कि महाराष्ट्र को लेकर जो कि नई सरकार बनी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस वाली बीजेपी, इन दोनों को लेकर वहां पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। हालांकि बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इसके बारे में पता जरूर चल रहा है कि कुल मिलाकर कैबिनेट विस्तार कैसे होगा, बीजेपी के कितने मंत्री होने वाले हैं, एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग हैं वो कितने मंत्री होंगे, इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई है। और बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है, उनसे जानकारी मांगी भी गई है कि आगे किस तरह से विस्तार किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।